संघ प्रदेश दमन और दीव। कम समय में औद्योगिक विकास अब दमन की नई पहचान बन गई है। दमन में छोटी बड़ी लगभग 3000 औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं, जिनमें करीब 85,000 श्रमिक कार्यरत हैं। यहां कंस्ट्रक्शन से जुड़े श्रमिकों की तादाद भी औसतन 1000 रहती है। इनमें से ज्यादातर अन्य राज्यों से यहां आए हैं। बड़े उद्योग जहां श्रमिकों की संख्या 250 से अधिक है, वहां कैंटीन की व्यवस्था है, लेकिन छोटे उद्योगों के श्रमिकों के लिए अच्छे भोजन की व्यवस्था एक बड़ी समस्या है। अभी मैं अकेले रहता हूं, जाता हूं रूम पे, खाना बनाता हूं, फिर टिफिन लेके आता हूं। बाजार में जाना पड़ता है, जल्दी उठना पड़ता है, टाइम नहीं मिलता है। संघ प्रदेश दमन और दीव प्रशासन की श्रमिकों के हित में एक बड़ी पहल, श्रम योगी प्रसाद योजना। श्रमिकों के लिए रियायती दर पर साफ सुथरा पौष्टिक एवं हाइजीनिक भोजन। इसके लिए औद्योगिक क्षेत्र में ही सेंट्रल किचन का निर्माण किया गया। श्रमिकों को उनके विभिन्न कार्यस्थलों पर ही भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था, जहां 10 रुपए में साफ सुथरा पौष्टिक एवं हाइजीनिक भोजन। 10 रुपए का खाना मिलेगा, अपना भी शरीर के लिए अच्छा रहेगा, हमारा पैसा भी उसमें कम लगेगा और गर्मा गर्म खाना मिलेगा वो भी अच्छा। बाहर से लाना नहीं पड़ेगा, अपना ड्यूटी करेगा, टाइम से खाना मिलेगा, वो अच्छा है। अच्छा खाना मिलेगा, पौष्टिक खाना मिलेगा, और इससे अच्छा क्या होगा। भोजन पर लागत की अनुदान राशि बोर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, नियोजक उद्योग और CSR अथॉरिटी द्वारा वहन की जाएगी। साथ ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सहयोग से भोजन अवशिष्ट की कंपोस्टिंग की भी व्यवस्था की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर संघ प्रदेश दमन और दीव प्रशासन की श्रम शक्ति के सम्मान में एक बड़ी पहल कदमी। माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी और मध्य प्रदेश की राज्यपाल महामहिम आनंदीबेन पटेल द्वारा श्रम योगी प्रसाद योजना का शुभारंभ।